प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने मलबरी टाइप सेरीकल्चर कैसे किया जाता है और उसमें फिर उसके लास्ट स्टेप में रीलिंग ऑफ सिल्क तक इसके बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सिल्क इंडस्ट्री है, इस सिल्क इंडस्ट्री में जो सिल्क मॉथ है, इस सिल्क मॉथ को हर स्टेप पे बहुत केयरफुली हर प्रकार की बीमारी और प्रीडेटर से बचाकर रखना होता है, क्योंकि यदि एक बार कोई बीमारी इसमें किसी मौत को लगती है तो उसके बाद वो महामारी का रूप लेने में भी बहुत अधिक समय नहीं लेती और उसके कारण से बहुत बड़ा नुकसान इस उद्योग को हो सकता है। तो इसको बहुत सारी डिजीज जो होती हैं बीमारी, उनसे ही बचाना होता है। ना केवल इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रीडेटर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होती हैं और भी हायर एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि इस स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाना होता है। डिजीज़ में वायरल और फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, छोटे जो प्रोटोजोन्स हैं उनके भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। इस तरीके से कई तरह की वायरल, बैक्टीरियल, फंगल डिजीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं, तो उनसे भी इनको बचाकर चलना बहुत आवश्यक होता है। जैसे प्रमुख रूप से अगर बीमारियों की बात करें तो एक बीमारी इनमें साधारण तौर पर देखने को मिलती है, वो है पेब्रिन। पेब्रिन जो है वो नोज़ेमा बॉम्बिसिस नामक स्पीशीज से होती है और ये जो बीमारी है ये एक एंडोपैरासाइट है। नोज़ेमा बॉम्बिसिस ये एक एंडोपैरासाइट है और ये एंडोपैरासाइट कभी कभी इनके अंदर हेरिडिटरी लक्षण तक अपनी पहुंच बना लेता है और ये बीमारी जनरल बीमारी है, सामान्य तौर पर बॉम्बिक्स में दिखाई देती है। ऐसे ही है फ्लैचरी। फ्लैचरी जो है ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादातर जो अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं सिल्क हाउस में उसके कारण से होता है। यदि आप स्वच्छता नहीं रखेंगे और जो सिल्क हाउस है या जो भी इनकी इनको रखने का स्थान है उन स्थानों पर गंदगी रहेगी तो वहाँ पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे ही ग्रेसरी जो बीमारी है ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरल इन्फेक्शन है और ये वायरल इन्फेक्शन भी अनहेल्दी कंडीशंस के कारण से होता है, यानी कि आप यदि मान लीजिए साफ़ सफाईयत नहीं रखते हैं तो ये ग्रेसरी भी फैल सकती है, बीमारी हो सकती है सिल्क मॉथ को। ऐसे ही है मस्कर्डाइन। मस्कर्डाइन जो बीमारी है ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है और ये ऐसा फंगल इन्फेक्शन है यदि एक बार ये होना शुरू होता है तो बड़ी मात्रा में नुकसान होता है इससे और बड़ी मात्रा में मौत जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये चार प्रकार की बीमारियाँ एक कॉमन बीमारी जो ख़ास तौर से भारत में भी जो सिल्क इंडस्ट्री है, सिल्क उद्योग जहाँ चलता है वहाँ देखने को मिल जाती है और इनका एकमात्र जो अगर मान लीजिए कोई उपाय है तो वो उपाय यही है कि इनकी हर स्टेप पर इनकी हाइजीन का, इनकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और हर स्टेप पर इनको ये सब बीमारियाँ पैदा ना हो सकें बचाने के प्रयत्न किए जाएं। ऐसे ही कई प्रीडेटर्स भी हैं, परभक्षी ऐसे हैं जो कि इस मौत को अपना शिकार बना लेते हैं, जैसे ट्राइकोलिगा बॉम्बिसिस है। ये एक पैरासिटिक फ्लाई है, ये ऐसी पैरासिटिक फ्लाई है, ये परजीवी मक्खी है। ये अपने अंडे जो कैटरपिलर होते हैं सिल्क वर्म जो किनको आप कहते हो, सिल्क मौत का जो कैटरपिलर है उस कैटरपिलर के आसपास अपने अंडे दे देते हैं या कभी कभी कैटरपिलर की बॉडी पर भी अंडे देती है ये मक्खियाँ, बैठ जाती हैं उनकी बॉडी पर बैठ जाती हैं। अब कैटरपिलर्स बहुत सारी बड़ी मात्रा में कहीं फीडिंग ट्रेज में फीडिंग कर रहे होते हैं या फिर लास्ट में स्प्रिंग ट्रेज में भी जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये फ्लाई अगर आपने अगर इनको एंट्री दे दी और आपके सिल्क हाउस में ये फ्लाई मौजूद है तो ये अंडे दे सकती है कैटरपिलर के आसपास और कैटरपिलर की बॉडी के ऊपर भी अंडे दे सकती है। जब ये अंडे दे देते हैं तो इनके अंडों में से जो हैचिंग होती है और लार्वा निकलता है, वो जो लार्वा है वो लार्वा फिर सिल्क मॉथ जो होता है
उसके कैटरपिलर के टिश्यूज़ को खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो लार्वा निकलते हैं, अब बॉडी के आसपास हैं तो कैटरपिलर की बॉडी को खाना शुरू कर देंगे। बॉडी के ऊपर ही अगर एग लेंगे, वो रखी है उसी में हैचिंग हो गई, तो उसमें से भी निकल के ये कैटरपिलर की बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं और बड़ी मात्रा में कैटरपिलर्स की मृत्यु हो जाती है। तो ये ट्राइकोलिगा बॉम्बिसिस जो है ये बहुत ख़तरनाक एक प्रीडेटर होता है। इसके अलावा कैंथेकोना, फिसेलेटा एंड टैकनिट फ्लाई ये जो हैं ये भी प्रीडेटर्स हैं। इनकी जो लंबी स्टाउट होती है, रोस्ट्रम जो है, मुखांग जो होते हैं वो एक तरह से नुकीले और लंबे होते हैं, और ये नुकीले मुखांगों के की सहायता से जो सिल्क वर्म होता है उसकी बॉडी को पिनिंग करना, पेनिट्रेट करना शुरू कर देते हैं, और उसके कारण से भी सिल्क वर्म की मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी चींटियां हैं, आंट्स हैं, हॉर्नेट्स हैं, कौवे हैं, काइट्स हैं, बैट्स हैं, और रोडेंट्स और लिजर्ड्स भी, यानी चूहे और ये छिपकली आदि, ये भी सिल्क वर्म को बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के बात ये रही कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट करके आपको सिल्क हाउस में रखनी होती हैं जहाँ ना तो कोई फ्लाई आ सके, मक्खियाँ नहीं आ सकें, छिपकली ना प्रवेश कर सके, चूहे ना आ सकें, कोई दूसरे प्रकार के रोडेंट्स, गिलहरी वगैरह प्रवेश ना कर सकें। इसके अलावा पक्षी हैं, छोटे बड़े किसी भी तरह के पक्षियों का भी प्रवेश वहाँ पर वर्जित हो, और इसके अलावा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए, तभी आप इनको, सिल्क मौत को, बीमारियों से और प्रीडेटर से बचा सकते हैं। और क्योंकि ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो इंसेक्ट है सिल्क मौत, ये पूरी तरीके से मनुष्य के ऊपर आश्रित है। अगर आप इसको खुद भोजन नहीं प्रदान करेंगे तो ये भूख से मर जाएगा। आप इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर से मर जाएगा, और यदि आप इसको प्रीडेटर्स से और बीमारियों से नहीं बचाएंगे तो ये बीमारियों और प्रीडेटर्स से भी ग्रसित होकर मर जाएगा। ये अपना बचाव स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए यदि आपको उद्योग को ठीक तरीके से चलाना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिल्क, यानी सिल्क जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से सिल्क के कितने प्रकार होते हैं ये समझिए। ये जो सिल्क मॉथ होता है ये सैटर्निटी फैमिली का और बॉम्बिसिडी फैमिली का प्राणी है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, पहले मैंने आपको बता ही दिया था। क्लास इंसेक्टा का ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, और उसके अंदर पाई जाने वाली जो फैमिलीज हैं सैटर्निटी और बॉम्बिसिडी, इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सिल्क मॉथ। और ख़ास तौर से प्रमुख रूप से चार प्रकार की टाइप्स सिल्क के ये रिकॉग्नाइज किए गए हैं। चार प्रकार की सिल्क हमें देखने को मिलती है जो अलग अलग वेराइटीज से, अलग अलग स्पीशीज़ से हमको प्राप्त होती है। यानी ये सिल्क मॉथ जो होता है उसकी अलग अलग स्पीशीज़ से हमें चार प्रकार की प्रमुख रूप से सिल्क प्राप्त होती है। पहला प्रकार है जो बहुत कॉमन प्रकार है, जिसके बारे में आपको हमने अभी सेरीकल्चर जो पढ़ाया वो मलबरी सिल्क का ही सेरीकल्चर पढ़ाया था। तो ये मलबरी सिल्क जो होती है ये कॉमन स्पीशीज़ है, एक जो बॉम्बिक्स मोराई एक बहुत कॉमन स्पीशीज़ है, उससे ही हमें मलबरी सिल्क प्राप्त होती है। क्वालिटी वाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती कंपेरेटिवली दूसरी से करेंगे, लेकिन इसका चूँकि उत्पादन अधिक होता है और ये स्पीशीज़ एक वर्ष में कई बार हमें फसल इसकी मिल जाती है, मल्टी वोल्टाइन स्पीशीज़ होती है, इस कारण से इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। और मलबरी सिल्क जो होती है क्वालिटी वाइज जैसे मैंने आपको बताया, तुलना करेंगे तो थोड़ा सा डाउन जाएगी, अदरवाइज़ वैसे इसकी शाइनिंग और क्रीमी वाइट कलर जो होता है वो बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। और ये बॉम्बिक्स मोराई जो मैंने आपको बताया, जो कि मलबरी लीव्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उसके द्वारा ये सिल्क प्रोड्यूस की जाती है। यानी जो शहतूत की जो पत्तियां होती हैं, वो शहतूत की पत्तियां इनका भोजन है,
उसी के आधार पर ही इनका नामकरण हुआ है और इनको हम मलवरी सिल्क बोलते हैं। इनके उत्पादन को जो सिल्क प्राप्त होती है उसको मलवरी सिल्क बोलते हैं, है ना। और कौन सी स्पीशीज़ है जिसने ये प्रोड्यूस करी? बॉम्बिक्स मोराई। अब दूसरी जो स्पीशीज़ है, प्रमुख स्पीशीज़, उसको बोलते हैं टसर सिल्क। सामान्य रूप से भी आपने सुना होगा कि भाई जो गारमेंट्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, कि भाई ये साड़ी जो है टसर सिल्क की साड़ी है। कभी घरों में आपने सुना हो, कोई परिवारजन लेके आया हो तो टसर सिल्क की साड़ी है। तो टसर सिल्क क्या है? बेसिकली टसर सिल्क का जो कलर होता है वो कुछ 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 तांवे जैसा रंग होता है, कॉपर जैसा, कॉपरी कलर होता है। और ये जो एंथेरिया माइलिटा नामक स्पीशीज़ होती है, ऐसी एंथेरिया पैफिया भी होती है, एंथेरिया रॉयली भी होती है और एंथेरिया पेरिनी भी होती है। ऐसे करके ये चार स्पीशीज़ ऐसी हैं सिल्क मॉथ की जिनके द्वारा ये टसर सिल्क प्रोड्यूस की जाती है। और ये जो चार स्पीशीज़ हैं, ये चारों की चारों जो स्पीशीज़ हैं, इनके जो फीडिंग प्लांट्स हैं जिनका ये भोजन ग्रहण करती हैं ये स्पीशीज़, वो फीडिंग प्लांट भी अलग अलग हैं। जैसे एंथेरिया माइलिटा, ये अर्जुन का पेड़ जो होता है उसकी पत्तियाँ इनका भोजन होती हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं ये। ऐसे ही पैफिया है, एंथेरिया पैफिया, वो आसन का पेड़ है, उसकी पत्तियाँ खाती हैं। एंथेरिया रॉयली है, वो साल का पेड़ जो होता है, साल के पेड़ की पत्तियाँ उनका भोजन होता है। और ऐसे एंथेरिया पेरेनी जो होती है, पेरिनी, वो पेरिनी जो होती है ओक का जो पेड़ होता है, उस ओक के पेड़ पर की पत्तियों का भोजन जो है ये ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा और भी कुछ अन्य सेकेंडरी फूड प्लांट्स भी होते हैं जो कभी कभी ऑल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो कुल मिला के जो टसर सिल्क होती है, वो टसर सिल्क एंथेरिया जीनस के जो स्पीशीज़ हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और इनका ख़ास तौर से इसका कलर जो होता है वो कुछ कुछ कॉपर जैसा, तांबे जैसा होता है। और इसकी टसर सिल्क जो होती है, इसकी कभी कभी फिनिशिंग भी रफ फिनिश दिखाई देती है। तो ये एक दूसरी वैरायटी है। और एक तीसरी वैरायटी है एरी सिल्क। ये जो एरी सिल्क है, ये एटेकस रिसिनी नामक सिल्क मॉथ जो होता है, एटेकस रिसिनी, उसके कैटरपिलर के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और ये जो कैटरपिलर होते हैं एटेकस रिसिनी के, ये अरंडी का जो पेड़ होता है, अरंडी के पेड़ की पत्तियों के ऊपर ये फीडिंग करते हैं। अरंडी के पेड़ की पत्तियां इनका भोजन होती हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और इस सिल्क का जो कलर होता है वो कुछ क्रीमी वाइट होता है, क्रीम कलर की सफ़ेदी लिए हुए क्रीम कलर का कलर होता है, क्रीम कलर होता है, मतलब क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट यानी सफ़ेद कलर, थोड़ा सा क्रीमिश, है ना। तो इस तरह की जो सिल्क होती है वो एरी सिल्क कहलाती है। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। और ये एटेकस रिसिनी नामक वैरायटी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। चौथे प्रकार की जो सिल्क है, जो कॉमनली पाई जाती है, वो है मूंगा सिल्क। और ये मूंगा सिल्क जो है एंथेरिया एसेमा करके एक वैरायटी है सिल्क मॉथ की, उसके कैटरपिलर के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है। और इसका जो फीडिंग प्लांट है वो सोम का पेड़ है, चंपा का पेड़ है और मोयंकुरी का पेड़ है। ऐसे करके इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं उनको इनके कैटरपिलर, एंथेरिया एसेमा के कैटरपिलर जो होते हैं वो खाते हैं और मूंगा सिल्क प्रोड्यूस की जाती है। ये जो सिल्क के टाइप्स मैंने आपको बताए, इसमें मलवरी सिल्क और एरी सिल्क, मलवरी सिल्क और एरी सिल्क जो है, इनके जो सिल्क वर्म्स हैं इनके तो पूरी तरीके से डोमेस्टिकेटेड, इनको पूरी तरीके से डोमेस्टिकेटेड कर लिया गया है। ये सिल्क वर्म्स बड़े मात्रा में आप इनको घरेलू कंडीशंस में, उद्योग में वो इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो टसर सिल्क है और मूंगा सिल्क है, ये टसर सिल्क और मूंगा सिल्क जो है, इनके जो प्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ है वो स्पीशीज़ अभी भी वाइल्ड नेचर की है, उसका डोमेस्टिकेशन बहुत बड़ी मात्रा में अभी नहीं किया जा सका है। ये जो चारों टाइप के जो सिल्क मॉथ हैं,
इन चारों टाइप के जो सिल्क मॉथ हैं इनकी जो लाइफ साइकिल है वो लाइफ साइकिल लगभग लगभग एक जैसी ही होती है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। सेरीकल्चर में जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि भाई आप टेम्परेचर किस प्रकार का है, डिपेंड करता है कि कितनी सिल्क आपको प्राप्त होगी और किस क्वालिटी की सिल्क प्राप्त होगी, उसके लिए डिपेंड करता है टेम्परेचर का अनुकूल होना, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं वो उसके लिए अनुकूल हैं नहीं हैं या नहीं है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आप जैसे मान लीजिए जहाँ आपने ये उद्योग लगाया है, सेरीकल्चर कर रहे हो आप, वहाँ सिल्क का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लेबर उपलब्ध है कि नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा काम इसमें लेबर की बहुत आवश्यकता रहती है और मैनुअल वर्क है, इसमें अधिकांश काम हाथों के द्वारा किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल कम रहता है। मशीनों का इस्तेमाल तो केवल इसमें बाद में जाके आपको रीलिंग में ज़रूरत पड़ेगी, जब आप सिल्क की रीलिंग करते हैं उस समय कुछ मशीनों का इस्तेमाल होता है, या फिर आपको इनक्यूबेटर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, बाकी तो ये सारा का सारा काम हाथों के द्वारा ही किया जाता है। तो पर्याप्त मात्रा में आपको लेबर उपलब्ध हो जो इस काम को जानती हो, वो स्थान कैसा है, फिर वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, तो मिट्टी की उपलब्धता कि भाई मिट्टी जो है वो ठीक प्रकार की मिट्टी हो, उस मिट्टी में किसी तरह के कोई इन्फेक्शंस ना हो, उस मिट्टी में कोई बहुत सारे पैरासाइट्स और आदि इत्यादि ना हो, मिट्टी भी ठीक हो, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपका सेरीकल्चर किस तरह का होगा, कितनी मात्रा में किस क्वालिटी की सिल्क आप प्राप्त कर पाओगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी हैं उनका एक डायग्राम है, चित्र देख सकते हो, जिसमें कमर्शियल सिल्क प्रोड्यूसर्स में मलवरी सिल्क वर्म और नॉन मलवरी सिल्क वर्म। मलवरी सिल्क वर्म तो एक ही है, बॉम्बिक्स मोराई, तो उसका कैटरपिलर, उसका मॉथ और उसके कोकून्स कैसे दिखाई देते हैं ये आप ऊपर ही ऊपर इस चित्र में देख सकते हो। फिर इसके पास एंथेरिया एसमीन, एंथेरिया माइलेटा, एंथेरिया पैरनी और सेमियारिसिनी, ऐसे करके जो अलग अलग जो कुछ स्पीशीज़ मैंने आपको बताई थी वो उनके मॉथ जो होते हैं वो देखने में कैसे लगते हैं कुछ आप इसमें देख सकते हो। इस चित्र में बीच में मैच्योर मॉथ के डायग्राम है, उसके लेफ्ट में उनके कैटरपिलर कैसे होते हैं वो देखेंगे, उनके राइट में उनके कोकून्स कैसे होते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे वाइट कोकून है, कॉपरी कोकून है, तांवे जैसे दिखने वाले क्रीमी कोकून्स हैं, तो ये आप इस चित्र में देख सकते हैं, और भी चित्र इसके आप उपलब्ध हो जाएंगे, आप नेट पर देख सकते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये सेरीकल्चर में अलग अलग टाइप की स्पीशीज़, कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं और वो किस टाइप की सिल्क को प्रोड्यूस करती हैं ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसके आगे भारत में सेरीकल्चर की जो अलग अलग स्थिति है उसको हमने सेरीकल्चर इंडस्ट्री को कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ये, और इसके साथ ही करंट स्टेटस इंडिया में सेरीकल्चर का क्या है और प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज़ ऑफ सिल्क क्या है, ये सब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।